पोकेमोन गेम्स में हम एज अ पोकेमोन ट्रेनर खेलते हैं, क्यों है ना। लेकिन क्या तुमने कभी ये सोचा है क्या होगा अगर हम भी एक विलन टीम में चले जाए। आई नो ये सुनने में इम्पॉसिबल लगता है, सो आज मैं खेलूंगा पोकेमोन टीम रॉकेट एडिशन, और वो भी 100 डेज के लिए। इस गेम की स्टोरी लाइन काफी अमेजिंग है। इस गेम में टीम रॉकेट का बॉस मुझे एक जॉब देता है, यस टीम रॉकेट मेंबर की जॉब, और इसके साथ मैं दूसरे ट्रेनर्स के पोकेमोन भी चोरी कर सकता हूँ। यार गेम में मजा तो तब आता है जब मैं अपने बॉस की जगह ले लेता हूँ। आगे मेरे साथ क्या हुआ जानने के लिए फुल वीडियो देखें। क्रिमिनल बनना है, क्रिमिनल जैसा नाम तो होना ही चाहिए ना, तो मैं हूँ पप्पू 99। उसके बाद मैं मिला यहाँ के दादा से जो कि है पेट्रेल। यहाँ पर इसकी फौज है, सब लोग अपना पोकेमोन ले रहे हैं, लेकिन मुझे पता ही नहीं यार मेरी बारी आ चुकी है। तो ये है मेरा पोकेमोन, बट सीरियसली रैटटा नहीं यार, जबरदस्ती मैंने इसको निकनेम दिया। उसके बाद मैं मिला इस चश्मे से जिससे मुझे मिला HM2। उसके बाद मैं जैसे ही पोकेमोन चोरी करने गया, यहाँ पर कोई आया और भाई बोला कि यार साथ में चलेंगे, इसको डर लगता है। ठीक है यार चलो साथ में चलते। यहाँ पर काफी सारे लोग हैं जो कि गेम्स खेल रहे, तो यार हम लोग बाहर में चोरी करने वाले हैं अकेले में। एकदम हमने प्लान बनाया, एकदम मस्त प्लान बना। उसके बाद हम लोग को शिकार चाहिए, शिकार हमारे सामने है। ओए बच्ची, ओए आजा आजा, तेरे पास पोकेमोन है? हाँ भाई मेरे को तेरे साथ खेलना है, आजा। अच्छा बर्थडे गिफ्ट मिला है, ठीक है भाई आजा। उसके बाद हमारी फाइट स्टार्ट हो गई। इसके पास है भाई पीजी, ठीक है भाई टैकल। ओ माय गॉड रैटटा इतना ज्यादा स्ट्रांग है, मुझे पता ही नहीं था भाई स्पीयरों पे। ओ भाई क्या बात है यार, इसे हराने के बाद इसका पोकेमोन मेरा हो चुका है। उसके बाद यार मैं इसको निकनेम दिया, और फिर यार क्या होना था, मेरे पास जो फ्लाई चैम है मैंने चिरकुट को सिखा दिया, और आखिरकार हम उड़ सकते हैं। मैंने देखा मैप पर कुछ हो रहा है, मैं फटाफट ना भाई वहां पर उड़कर चला गया। और फिर यार मैं मिला दादा पेट्रोल से जो कि बोल रहे माउंट मून के अंदर हमें कुछ रेयर फॉसिल ढूंढने, काफी मजा आएगा। मैं माउंट मून के अंदर तो आ गया, लेकिन यार यहाँ पर बच्चे बहुत ही सारे हैं। मैंने सोचा शुभ काम में देरी किस बात की, मैंने इन सभी के पोकेमोन। अचानक से हमारे टीम मेंबर्स को कुछ रेयर मिला है, तो यार मैं भी दौड़ता हुआ गया। भाई क्या मिला क्या मिला, अरे भाई 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 भाई, भाई व्हाट, ओ माय गॉड गाइस मिल चुका है इनको। लेकिन ये क्या, ये तो मूनस्टोन है भाई, ये लोग तो जा चुके हैं, लेकिन मैं इसको रख लेता हूं। अचानक से ना भाई हमारे टीम के किसी सदस्य को एक बंदे ने इतना ज्यादा गंदा पीटा है, उसके पास एक वॉर टर्टल है भाई। सभी लोग जाते हैं उस लड़के का पता लगाने, लेकिन यार मैं जाता हूं अपने काम से, पोकेमोन चोरी करने के काम से। अब क्या करूं यार, इसी में ज्यादा आ रहा है, क्या कर सकते भाई। और देखते ही देखते मैंने काफी सारे पोकेमोन चुरा लिए हैं, लेकिन तभी मैंने देखा, ए मामू ए, मेरे को ना 2 रेयर फॉसिल मिले भाई, मैं बस 2 मिनट में पेट्रोल दादा को इन्फॉर्म करके आया, तब तक ना बेरू तुम दोनों इसकी रखवाली करो। ये काम मैंने दूसरे बंदे पर छोड़ दिया और मैं आगे आ गया, लेकिन तभी कोई लड़का आया और बिना कुछ बोले मेरे से बैटल स्टार्ट कर दिया। ओ गॉड ये तो रेड है। उसके बाद इसने बिना पानी और बिना साबुन यूज किए 1x1 मेरे सभी पोकेमोन्स को एकदम रगड़ रगड़ के अच्छे से धो दिया। लेकिन अब ये कहां पर जा रहा है। उसके बाद मैंने देखा रेड यहाँ से फॉसिल लेके जा चुका है। तभी यहाँ पर रॉनी आ गया और इसने बताया वहां पर एक और लड़का घूम रहा है। लेकिन ये क्या यार, इसने अपने फॉसिल देख लिए और ये बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया है और पता नहीं क्या करेगा। वैसे गलती मेरी है भाई। अचानक से यहाँ पर पेट्रोल दादा आ गया और इसने बोला यहाँ पर माउंट मून में कुछ भी करने लायक नहीं बचा है, हम लोग को वापस से बॉस के पास जाना होगा। और मैं आता हूँ बॉस के पास। सॉरी बॉस मैं अपना पहला मिशन में फेल हो गया। चलो समय को बर्बाद नहीं करो, मैंने पेट्रोल से सुना है कि माउंट मून का फॉसिल मिशन बर्बाद हो गया, चलो बेसिक से शुरुआत करें। मैं देख सकता हूँ रेड, क्या रेडिकुलस नाम है, एक चार्मेलियन और दूसरा वॉर टर्टल के साथ। ये बच्चे जो भी है बहुत ही खतरनाक नस्ल के हैं। सर सर जिम लीडर ब्लेन आपसे मिलना चाहते हैं सर। इसके बाद मुझे पता चलता है कि ब्लेन भी टीम रॉकेट के साथ मिला हुआ है। तभी ब्लेन आता है और जीवानी से कहता है कि अब वो जीवानी के लिए और ज्यादा पॉलीगॉन पोकेमोन नहीं बनाने वाला, क्योंकि मिस्टर फूजी सब कुछ जानता है टीम रॉकेट क्या कर रही है, और ये अपने जिम लीडर की पोजीशन को टीम रॉकेट के लिए खतरे में नहीं डालने वाला। पप्पू 99 तुम्हारे लिए नया मिशन है, ध्यान से सुनो, तुम जा रहे हो बिल के घर पे नॉर्थ सरूलन में, उसे एक जॉब ऑफर करने टीम रॉकेट की तरफ से एक पॉलीगॉन मैन्युफैक्चरर के तौर पे, और अगर वो मना करे तो उसे बोल देना हम ऐसा ऑफर बनाएंगे जो कि वो मना नहीं कर पाएगा। बिल के पास तो नहीं लेकिन कुंभकर्ण के पास जरूर पहुंच गया। उसके बाद ये पुलिस वाला मुझे रोकता है, तो मैं इसको पैसे का लालच देता हूँ और इसके बाद ये मुझे जाने देता है। उसके बाद मैं पहुंचता हूँ सरूलन डे केयर सेंटर में, जहाँ पर एक बच्चा नीरो रैन के साथ है और इसको छोड़
छोड़ के जाता है। फिर ये डे केयर का मालिक मेरे पास आता है और मेरे भी पोकेमॉन मांगता है, लेकिन बाद में मेरे कपड़े पहचान लेता है और जान जाता है मैं टीम रॉकेट से हूँ। उसके बाद देखो ये क्या कर रहा है, क्योंकि ये खुद ही टीम रॉकेट से भाई। मैं गया, मैं पहुंचा रॉकेट वेयर हाउस में, जहां पर टीम रॉकेट का एक एग्जीक्यूटिव मेंबर भी है। उसके बाद ये बोलता है कि अगर बिल के पास जा ही रहे हो तो बिल का पार्सल भी ले जाओ। तो मैंने पार्सल लिया और उसके बाद मैं गया साइकिल की दुकान पर। ओके भाई, साइकिल देगा या फिर चोरी करनी होगी, बोल दे यार। अच्छा नहीं देगा तो फिर ठीक है, मुझे खुद से ही लेनी होगी। पिकाचू है इसके पास, क्विक अटैक करेंगे एंड लेट्स सी वन शॉट। उसके बाद मैंने साइकिल चोरी की और ये देखो भाई यहाँ पर है म्यूटू, इसके अंदर है ठीक है। इसके बाद मैं जाता हूँ ब्रिज पे जहाँ पे काफी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स है, मैंने सभी के पोकेमॉन चोरी किए और उसके बाद एक रेयर कैंडी मिला जो कि मैंने कैटरपी को दे दिया और ये इवॉल्व हो रहा है भाई। वाओ, ओ माय गॉड, मेटापॉड। ओए रुक जाओ, मैं भी टीम रॉकेट से हूँ, मैं पूरे दिन यहाँ पर खड़ा रहता हूँ ताकि कोई ट्रेनर आए और मैं उसे टीम रॉकेट की जगह के लिए एक ऑफर दूँ, लेकिन नहीं अब बहुत हो गया, मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, बोल देना उनको। What? Nidoran is evolving man, और ये बन चुकी है Nidorina। उसके बाद मैं पहुंचा बिल के घर में, इससे बातें की, इसको मनाने की कोशिश की, लेकिन यार ये बोलता है टीम रॉकेट के साथ इसको काम नहीं करना है, कोई इंटरेस्ट नहीं। मैंने कोशिश की, पार्सल डिलीवर किया, उसके बाद ये बोलता है ठीक है लेकिन पहले टीम रॉकेट को इसको एक रेयर पोकेमॉन का सैंपल भेजना होगा। जाते टाइम बिल मुझसे पूछता है हमारे सीक्रेट म्यूटू प्रोजेक्ट के बारे में, जिसके बारे में मुझे खुद ही नहीं पता यार। उसके बाद मैं मिला ब्लू से और ये बोलता है कि हम वही है ना जो कि माउंट मून में थे। हाँ भाई वही है, आजा। मैं ऑलरेडी रेड से हार चुका हूँ लेकिन ब्लू से नहीं, मैं इसको हरा के रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ये होगा इसका लास्ट पोकेमॉन। ओके काफी सही, हाइपर फैंग। ओके एक और बार, यस गाइस, आखिरकार इसको विश्वास नहीं हो रहा। हाँ भाई जा जा ट्रेनिंग करके आ। ओके गया ये तो। उसके बाद मैं मिला रॉनी से और ये बोल रहा है ये घर में डाका डाल के आ रहा है, काफी सारे टीएम चुरा के आ रहा है। ओ माय गॉड भाई क्या बंदा है ये। उसके बाद मैंने सोचा मिस्टी से मिल लेता हूँ, लेकिन जिम गाय ने मुझे धक्के मार के बाहर निकाल। फिर मैं और रॉनी निकल जाते हैं रॉकेट वेयर हाउस के लिए और वहां पे जाने के बाद हमें ये पता चला है कि पूरे कांटो रीजन में हर जगह पुलिस आ चुकी है। अरे यार ये क्या हो गया। उसके बाद एक बंदे ने हमें टीवी देखने के लिए बुलाया, सब लोग जा चुके हैं। अरे चलो चलो, अरे सब लोग चले गए भाई, मैं भी आऊंगा। मैं तो जानता भी नहीं क्या हुआ है, मैं तो बस अपने रेगुलर हाइकिंग करने माउंट मून गया था और जब मैं वापस आया मैंने देखा मेरी मेहनत से कमाए हुए पूरे टीम जा चुके थे। और यार मैं पूरे सालों से प्लान कर रहा था इन सबको जमा करके कुछ छोटे शैंट शुरू और मैंकी को सिखाऊंगा, लेकिन अब सब कुछ जा चुका है। और इतना ही नहीं, उन्होंने मेरी दीवार में एक बड़ा सा छेद भी कर दिया है। अरे बाप रे, ऑफिसर आपका इस बारे में क्या कहना है। अरे मेरे से भी तो पूछ। हाँ तो मैंने बस एक हरे बालों वाले जोकर को देखा था। हाँ हाँ वही टिकटॉक वाला। अरे बाप रे, ऑफिसर आपका इस बारे में क्या कहना है। कुछ न्यूज रिपोर्टर पोकेमॉन लीग में भी चैंपियन लैंस का इंटरव्यू लेने आते हैं, जहां पर लैंस ये बोलता है कि आजकल कांटो में टीम रॉकेट के हाथों काफी सारे क्राइम हो रहे हैं। उसके बाद आर्चर हमें शांत रहने को कहता है और बोलता है लैंस तो ऐसे नाटक कर रहा है जैसे मानो सालों से हमारे ऑपरेशन के बारे में जानता ही ना हो। उसके बाद इसने मुझे बताया मेरे न्यू मिशन के बारे में और मुझे जाना है वर्मिलियन सिटी में, क्योंकि वहां के जिम लीडर के साथ टीम रॉकेट स्मगलिंग डील में शामिल है। फिर मैंने इस साइंटिस्ट से बात की और मुझे मिला स्टेरॉइड्स और यार मुझे इसको देना है एल्टी सर्ज को। तो मैं निकल गया वर्मिलियन सिटी के लिए और मैं जाकर पहुंचा अंडरग्राउंड पाथ के अंदर। उसके बाद यार मैंने काफी सारे लोगों के पोकेमॉन चुराए, तभी अचानक से मेरा रैट अटैक इवॉल्व हो गया और ये बन गया रैटिकेट। उसके बाद मैं पहुंचा वर्मिलियन सिटी, लेकिन प्रोटोन आ गया और इसने रोका कट यूज किया और हम दोनों गए एल्टी सर्ज के जिम में। यहां पर कुछ ट्रेनर्स है। ओके उसके बाद हमने इसे मुलाकात की और उसके बाद मैंने स्टेरॉइड्स इसको दे दिया। उसके बाद मैं गया पोकेमॉन सेंटर और पिकाचू को अपनी टीम में रखा। उसके बाद मैं गया ऐसे सैनशिप पर और वहां पर जाने के बाद मैं मिला प्रोटॉन से। इसने मुझे बताया है इस शिप पर काफी सारे पोकेमॉन क्रेट है जो कि हमें चाहिए। फिर मैंने इन बूढ़े आदमी से इसका ग्राउलिथ पोकेमॉन चुराया। देन मैंने देखा यार इस शिप पर तो लैंस एंड स्टीवन है एंड ये दोनों ही चैंपियन है अपने अपने रीजन के, पता नहीं क्या कर रहे यार। उसके बाद लैंस वापस गया, मैं गया स्टीवन से बात करने। उसके बाद भाई नो रिस्पॉन्स यार, मैं ना इस रूम में आ चुका हूं क्रेट ढूंढने
ढूंढते यार, मैं खोज में लगाऊ कहाँ पे क्रिएट। मैंने बहुत ही ज्यादा खोजना शुरू किया और आखिरकार मुझे मिल गया। लेकिन तभी क्या होता है ना, ये मोटा जाग जाता है और मेरे को फाइट करने के लिए बोलता है। भाई क्या बात है यार, टेंटेकूल ओके, मेरे पास एडवांटेज है। फिर मैंने शिप के कैप्टन को इजीली हरा दिया अपने पोकेमोन से और इसका पोकेमोन भी चोरी कर लिया। लेकिन अचानक से कोई वीजिंग पोकेमोन आया और पॉइजन गैस यूज किया और ये मोटा बीमार पड़ गया यार। लेकिन ये किसी और का नहीं, प्रोटोन का ही वीजिंग है। मिशन कंप्लीट होते ही मैं जाता हूँ बॉस के पास, क्योंकि यार वह वाई भी तो सुननी है। तो तुम क्या रोज बच्चे रट ने ऑलरेडी दो जिम लीडर्स को हरा दिया है और अब तीसरे के लिए आगे निकल रहा है। अब नॉर्मली मैं अपने किसी एक एडमिन को जॉब पे भेज दूंगा, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग दूसरे मिशन पे हैं और बाकी भूतों से डरते हैं। तो ये तुम्हारे लिए एक सुनहरा मौका है अपनी काबिलियत को साबित करने का। मैं उम्मीद करता हूँ मैं निराश नहीं होऊंगा। फिर मुझे बॉस से मिला स्लिप स्कोप और उसके बाद मैं गया सैफ्रॉन सिटी में मिस्टर साइकी के घर पे और इनको चैलेंज कर दिया। पहले तो यार मैंने इनको हरा दिया और उसके बाद मुझे एक फ्री पोकेमोन चुनने का मौका मिला। तो मैं लेने वाला हूँ इनमें से हिटमोन ली को। उसके बाद मैं मिला लैवेंडर टावर में ब्लू से, जो कि बोल रहा है रेड ने इसके पोकेमोन को जान से मार दिया यार। देन फाइनली मेरा पीजी इवॉल्व हो जाता है एंड ये बन जाता है पीजियोटो। उसके बाद मैंने और ब्लू ने किसी भूत को देखा है। भाई ये हमारे सामने, ओ गॉड ये एक मैरोवैक की आत्मा थी। उसके बाद मैं ऊपर गया और मैं मिला मिस्टर फूजी से, जो कि मुझे पहचान लिए। हमारी फाइट स्टार्ट हो जाती है एंड मैं इनको बड़ी आसानी से हराता हूँ। लेकिन इनका डिटो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था तो मैंने फ्यूरी स्वैप्स यूज किया, उसने भी एग्जैक्ट सेम मूव यूज किया, लेकिन ये लास्ट होगा। एंड उसके बाद मैंने इनको हरा दिया और इनका मैरोवैक पोकेमोन भी चोरी कर लिया। फिर इसने मुझे बताया कि ये 11 साल पहले ही म्यूटू वाले प्रोजेक्ट को छोड़ चुका है। उसके बाद मैं मिला प्रोफेसर ओक से, जो कि अपने किसी पुराने फ्रेंड को ढूंढ रहा है और वो मिस्टर फूजी है। लेकिन अचानक से इसने मुझे पहचान लिया और ये चला गया। उसके बाद रॉकेट हाइडआउट के नीचे मैंने रेड को देखा, जो कि बिना कुछ बोले ही चला गया। लेकिन आखिर यहाँ क्यों आया था? उसके बाद मैंने बॉस को देखा, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। तो ओक फूजी को ढूंढ रहा है, भगवान वह क्या प्लान कर रहा है? क्या उसे हमारे बारे में पता है? ये हमारे लिए बड़ा हो सकता है। तो अब समय आ चुका है तुम्हें सब कुछ सच जानने का। ये बात है 11 साल पहले की। उस टाइम पे कांडो के हालात बहुत ही ज्यादा खराब थे। ये क्लियर था कि हम नहीं जीत सकते, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसा था जो लैंस के पास नहीं था। पर ओक ऑलरेडी जानता था लेजेंड कभी नहीं जीतते। हमने म्यू को पकड़ा और डॉक्टर फूजी ने एक ऐसा आइडिया दिया जो कि अब तक का सबसे बेस्ट आइडिया था और ये कांटो का सबसे बड़ा सीक्रेट था। हमने दिन रात कोशिश की, ओक ने भी आइडिया दिया और डिसाइड किया हम म्यू से एक दूसरा क्लोन बनाएंगे और इस प्रोजेक्ट का नाम म्यूटू प्रोजेक्ट पड़ा। उस टाइम कांटो का सबसे अमीर आदमी मैं ही था और ओक का एक लीड फोर मेंबर भी। तो मैंने वो सब कुछ किया जो कि मैं कर सकता था। हर एक मेंबर अपने आप में ही जीनियस था और कोई भी महीनों तक दिन रात काम करने को नहीं डरा। लेकिन हमने जितना सोचा ही उससे ज्यादा डिफिकल्ट था। नए मॉन्स्टर ने जन्म लिया, लेकिन उसने टेस्ट ट्यूब को तोड़ दिया और उसने जितने भी स्पेसिफिक पोकेमॉन थे उन सबको मार दिया, पूरे क्लोन डिटो को मार दिया। ये इंसिडेंट कैस्टर ट्रॉफ के नाम से जाना जाने लगा और उसके बाद हमने अपनी उम्मीद हारना शुरू कर दिया कि अब हम नहीं कर सकते। लेकिन तभी डॉक्टर फूजी ने इस प्रोजेक्ट को एक नई उम्मीद दी। एक ह्यूमन जैसा पावरफुल साइकिक पोकेमोन बन गया हमारी पांचों डीएनए से। लेकिन हमने जितना सोचा था ये उससे ज्यादा ताकतवर था। इसे कोई रीजन नहीं मिला कांटो के लिए लड़ने का और उसके बाद इसने आर्मर को तोड़ा और ये भाग गया और सरुयन केव में चला गया। उसके बाद ओक ने लैंस के सामने सरेंडर कर दिया और वो बूढ़ा साइंटिस्ट वो आज भी कहाँ है किसी को नहीं पता। और मैं, मुझे लैंस ने एलीट फोर मेंबर्स से निकाल दिया। अचानक से बॉस मेरे पास आए और मुझे प्रमोट करके रॉकेट एडमिन बना दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे मिला बॉस के बेटे से, जो कि है सिल्वर और ये अपने डैड को पसंद नहीं करता। ये तो गया। उसके बाद आर्याना आई और मैंने वेलकम की वरीरियन सिटी में। ओके, उसके बाद मैं यहाँ की पोकेमोन सेंटर में गया और यहाँ पे नर्स जो है जो कि मेरे से हेल्प मांग रही है। सीरियसली यार, ये बोल रही है मेरे जैसे किसी बंदे की जरूरत है और ये किसी को सबक सिखाना चाहती है। तो मैंने भी नर्स जो है समझ के हाँ बोल दिया।
उसके बाद मैं उस बंदे को सबक सिखाने पहुंचा, लेकिन आखिर वो है कहां पर। उसके बाद मैं मिला इस बंदे से, और यही वो बंदा है जिसको सबक सिखाना है। यहाँ पे एक्टिंग कर रहा है और बोल रहा है कि यार ऐसे तारीफ कर रहा है, झूठी तारीफ है, लेकिन मैंने एक ना सुनी और इसको फाइट के लिए चैलेंज कर दिया। और उसके बाद यार मैंने इसको बहुत ही ज्यादा गंदा पीटा, क्योंकि यार ये धोखा दे रहा है। उसके बाद मैंने इसको हराया और ये बोल रहा है आखिर यार ये चल क्या रहा है, आखिर इसकी गलती क्या है। उसके बाद अचानक से ना एक बूढ़े अंकल आए जो कि इसी का पड़ोसी है और ये कहीं बाहर जा रहा है, तो इसने बोला अपने जिंक्स को अपने पास रखने के लिए जब तक ये बाहर है। उसके बाद ही चला गया, लेकिन हमें समझ में आ गया कि ये सब कुछ नर्स जॉय की मिसअंडरस्टैंडिंग थी। सो फिर मैं नर्स जॉय के पास गया और इनको बता दिया ये सब कुछ इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है। और उसके बाद मैं पहले टाउन आया, रेड के घर पे गया, वहां पर उसकी मॉम थी, लेकिन उसकी मॉम ने मुझे ज्यादा कुछ रेड के बारे में बताया नहीं। सो उसके बाद मैं ब्लू के घर गया, लेकिन वहां पर उसकी बहन थी जिसने मुझे भगा दिया। तो मैं गया प्रोफेसर ओक की लैब में, लेकिन वो शायद से यहाँ पर नहीं है। तो मैंने इस पोकी बॉल को देखा, लेकिन इस बंदे ने मुझे बोला कि मैं अपनी गंदी उंगलियों को इससे हटा दूं। भाई क्या बेइज्जती है यार, अचानक से यहाँ पर इलीट फोर मेंबर एगाथा आ गई और ये चाय पीने ब्लू के घर गई। और इसने मुझे बताया कि ब्लू और डेजी इसके पोता और पोती है, और इसने डेजी को बोला कि ये मुझ पर विश्वास कर सकती है और अपना साथी समझ सकती है। और उसके बाद ये चली गई, और उसके बाद क्या यार हमारी बातें आपस में शुरू हो गई, लेकिन अचानक से एक गंदा आदमी आ गया। यार ये कौन है, मैं इसको नहीं जानता, भाई तू क्यों आया है यार। और इसके बाद डेजी को हमारी सच्चाई पता चल गई, फिर हमने सोचा हम भाग जाएंगे, लेकिन डेजी ने हमें रोक लिया और हमसे फाइट स्टार्ट कर दी। तो फिर मैंने भी सोचा यार आजा इसको फाइट करनी है तो मैं भी अपना बेस्ट दूंगा, और मैंने इसको बड़े आसानी से मारा, बहुत अच्छे से मारा, और इसका रायचू भी गया। और इसके बाद ये हार गई, और इतना ही नहीं मैंने इसका पोकेमोन भी चोरी कर लिया, और मैंने चोरी किया इसका रायचू। उसके बाद रॉनी ने अपने रेडिकेट को भेजा और इस पर हाइपर फैंग यूज करवा दिया, पता नहीं जिंदा है या फिर मर गई। उसके बाद रॉनी ने अपने रेडिकेट को इस घर को लूटने कहा। उसके बाद मैंने फ्लाई यूज किया और मैं वापस से बॉस के पास चला गया, लेकिन मैंने देखा ऑलरेडी रॉनी ने सब कुछ बॉस को बता दिया है। लेकिन बॉस तब भी इस पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि इसी के वजह से पूरे कांटो में हर एक जगह पुलिस आ गई थी। तो यार बॉस ने इसको गुस्से में भगा दिया। तो अगर वो कहीं भी नहीं मिल रहा तो मुझे उसके लिए दूसरी टीम को भेजना होगा। तुम्हारा नया मिशन है उसके लिए ब्लेन को ढूंढना। So, उसके बाद मैंने इस बंदे से बात की और इस बंदे ने मुझे यहाँ पे सर्फ एचएम निकाल कर दिया, लेकिन मेरा कोई भी पोकेमोन सर्फ नहीं सीख सकता। तो मैं गया पोकेमोन सेंटर और अच्छे खासे पोकेमोन निकाले और एक साइडक भी। उसके बाद मैंने साइडक को सर्फ सिखा दिया और फाइनली मैं सर्फ यूज करके आगे निकल गया और मैं पहुंचा सिनेबार आइलैंड। वहां से मैंने एक पॉलीवैग को कैच किया और फाइनली मैंने इसको सर्फ सिखा दिया। इसके बाद मैं गया पोकेमोन मैंशन में, क्योंकि मुझे पता चला है वो टकला यही कहीं छुपा हुआ है। फिर मैंने एक लेटर को देखा जो कि प्रोफेसर ओक ने ब्लेन को भेजा है, और उसके बाद मैंने इस लास्ट स्विच को ऑन किया और यार आखिरकार ब्लेन मेरे सामने है। फिर हमारी बैटल स्टार्ट हो गई, ये भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन मैं भी किसी से कम नहीं, और मेरे रायचू ने काफी बढ़िया खेला, और यार आखिरकार मैं बहुत ही ज्यादा क्लोज था और मैंने इसको हरा दिया। इसके बाद इसने बोला ये टीम रॉकेट और उसके बॉस के लिए और ज्यादा काम नहीं करेगा, क्योंकि ये एक जिम लीडर भी है ना कि कोई क्रिमिनल। अचानक से मैंने देखा मुझे बॉस का कॉल आया है, तो मैं बॉस के पास चला गया। बॉस ने हमें बोला कि अब हम लोग टीम रॉकेट का सबसे बड़ा ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे और हमें एक बिल्डिंग में कब्जा करना है जिसके अंदर मास्टर बॉल है, और उस बॉल से हम लोग लेजेंडरी बॉट्स और इवन म्यूटू को भी कैच कर सकते हैं। सो उसके बाद मैं इस बिल्डिंग के अंदर गया और मैं मिला प्रोटॉन से। इसने मुझे बताया है इस बिल्डिंग में जितने भी साइंटिस्ट है उनको मुझे ऑफिस में लॉक करना है। तो उसके बाद मुझे एक रेयर कैंडी मिला, मैंने यूज किया और मैंने कार्ड की से काफी सारे साइंटिस्टों को लॉक किया। यार क्या मजेदार काम है। तभी मेरा पॉलीवॉल इवॉल्व हो गया और ये बन गया पॉलीटोड, और मैंने आखिरी के दो साइंटिस्ट को लॉक किया। और उसके बाद मैं आगे बढ़ा, मैं मिला प्रोफेसर ओक से, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है। ओके, ये ऑलरेडी जानता है मैं कौन हूँ क्योंकि हम पहले भी मिल चुके। ये भी जान गया कि हमारी पूरी गैंग ने इस बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया है। उसके बाद ये चला गया और मैं आगे बढ़ा और मैं मिला बिल से। ये बोल रहा है मास्टर बॉल मार्केट के लिए रेडी है। ओके, हमारी बैटल स्टार्ट हो गई, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था। मैंने जैसे ही बिल को हराया वैसे ही मेरा बॉस आ गया और ये बहुत ही ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि अब ये पूरी बिल्डिंग टीम रॉकेट की है और अपने पास बुलाकर इसने मेरा प्रमोशन किया और मैं बन चुका हूँ टीम रॉकेट एग्जीक्यूटिव। उसके बाद मैं देखता हूँ रेड को जो कि बिल्डिंग के अंदर जाता है, और मुझे कॉल आता है बिल का जो कि मुझे सिनेबार आइलैंड बुलाता है। मैं जैसे ही बिल के पास गया उसने मुझे अंदर बुलाया जहां पर मिस्टर फूजी और ब्लेन भी पहले से ही है। देन बिल मुझे बताता है ये अपना खुद का मास्टर बॉल बनाना चाहता है जिससे ये म्यूटू को कैच करेगा, लेकिन
लेकिन उसके लिए इसको कुछ सामान चाहिए। पहला तो पर्पल एप्रिकॉन जो कि इसने वरीडियन फॉरेस्ट में लगाया है, और दूसरा पोके चिप जो कि रॉकेट हाइडआउट में हमें मिलेगा। पर्पल एप्रिकॉन लेने मैं आता हूँ वरीडियन फॉरेस्ट में, जहाँ पर मुझे मिलता है सिल्वर यानी कि जीवानी का बेटा यानी मेरे बॉस का बेटा। और हमेशा की तरह अपने बॉस की बुराई करने के बाद वो चला गया और मुझे मिल गया पर्पल एप्रिकॉन। इसके बाद मैं पहुंचता हूँ रॉकेट हाइडआउट में, जहाँ मैंने देखा बॉस और पूरे टीम रॉकेट के एडमिन और ग्रंट भी है। और अभी बॉस बहुत ही ज्यादा गुस्से में है क्योंकि उस बच्चे रेड ने वापस से पूरे टीम रॉकेट को हरा दिया, और इस बार वो मास्टर बॉल लेकर भी अकेले चला गया। और इसके साथ गुस्से में बॉस ने मेरे फ्रेंड रॉनी को टीम रॉकेट से निकाल भी दिया। कुछ देर के बाद मुझे पोके चिप भी मिल जाता है, और उसके बाद मैं बिल के पास गया और इसको पर्पल एप्रिकॉन एंड पोके चिप दे दिया। फिर ब्लेन, मिस्टर फूजी एंड बिल साथ में काम करते हैं, एंड फाइनली इन्होंने अपना खुद का मास्टर बॉल बना लिया। लेकिन अब बिल बोलता है इससे म्यूटू को कैच नहीं करेगा, अब वो इससे कैच करना चाहता है कैस्टर ट्रॉफ को। लेकिन कोई भी नहीं जानता कैस्टर ट्रॉफ कहां पर छुपा हुआ है सिवाय एक के, और वो है शिगेकी। लेकिन यार असली प्रॉब्लम तो ये है 10-11 सालों से कोई भी नहीं जानता शिगेकी कहां पर है। लेकिन तभी मिस्टर फूजी बोलते हैं कि म्यूटू जानता है शिगेकी कहां पर है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन पांचों साइंटिस्ट ने अपना डीएनए म्यूटू को दिया था, और म्यूटू के अंदर इन सभी का डीएनए है, इसलिए म्यूटू वो सब कुछ जानता है कि ये पांच कब कहां है और क्या कर रहे हैं। फिर मैं जाता हूं सरुलेन सिटी में क्योंकि मैं जाने वाला हूं सरुलेन केव में। मैं जैसे ही आगे बढ़ता हूं मेरे सामने कोई लड़का आ जाता है, और ये बोलता है कि मैं बिना चैंपियन की परमिशन के अंदर नहीं जा सकता। तो हमारी बैटल स्टार्ट हो जाती है। इसका पहला पोकेमोन एक पिंसर था, फिर आता है पैरासेक्ट जो कि मेरे राइचू को सुला देता है। तो यार मैंने भेजा पोलिटोड को एंड सर्फ यूज किया, आर्बॉक तो गया। उसके बाद लास्ट पोकेमोन है आर्किनाइन, एंड फाइनली यार मैंने इसको हरा दिया। पोकेमोन सेंटर से आने के बाद मैं वापस से जाता हूँ सरुलेन केव में, और यही पर म्यूटू होगा। मैंने आज से बहुत ही ज्यादा सालों पहले फायर रेड खेला था, फिलहाल मुझे याद भी नहीं है कि फायर रेड में कहां पे म्यूटू था। लेकिन मैं आगे बढ़ता रहा, मैं बहुत ही बार रास्ता भी भूल गया, लेकिन आखिरकार वो टाइम आ गया और मेरे सामने होता है म्यूटू। तो आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। और जिन वैज्ञानिकों ने तुम्हें यहाँ भेजा है वो सोच रहे हैं पिछले कुछ सालों में मेरी साइकिक पावर्स कमजोर हो गई है, लेकिन मैं पहले से भी ज्यादा ताकतवर, शार्पर और डेडलियर बन चुका हूँ। और अगर तुम्हें जानना है शिगेकी कहाँ पर है तो तुम्हें मुझे हराना होगा। पहले जब मैं यहाँ पर आया था तब मैं म्यूटू को हराने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन म्यूटू ने ऐसी बातें बोली कि यार मैं खुद डरा हुआ हूँ, क्या मैं म्यूटू को हरा पाऊंगा मैं खुद नहीं जानता। लेकिन यहाँ पर म्यूटू बॉर्न हो चुका है, और यहाँ पर मेरी उम्मीद ये है कि म्यूटू हार जाएगा, और आखिरकार यार मैंने म्यूटू को हरा दिया। ये हुई ना बात, बहुत ही अच्छी। जो तुम जानना चाहते हो मैं तुम्हें बताऊंगा। शिगेकी, जब उन्होंने मुझे जन्म दिया था उन दिनों वो एक बूढ़ा आदमी था। जब तुम्हारी वो लड़ाई आखिर में खत्म होने को आई, जो चीजें उसने की थी और देखी थी वो उन सबसे भाग गया, अपने वैज्ञानिक होने के पूरे संबंधों को त्याग कर जनता की नजरों से दूर अपनी पोती के साथ एक एकांत जीवन के लिए। हाँ, इन दिनों तुम शिगेकी को देखोगे जो कि वरीडियन सिटी का एक पुराना नागरिक बन चुका है। हाँ, वो जानता है वो कहाँ है। इसके बाद मैं जाता हूँ वरीडियन सिटी में, और वहाँ जाने के बाद मैं मिलता हूँ शिगेकी से, एंड ही वाज लाइक क्या मुझे पोकेमोन कैच करने में कोई हेल्प चाहिए। तब मैं उसे बताता हूँ मैं कौन हूँ और मैं क्यों आया हूँ, और वो बोलता है उसे पता था ये दिन जरूर आएगा। और फिर वो बोलता है कि हाँ उसी का नाम शिगेकी है, हालांकि पूरे 10 साल से ज्यादा हो गए हैं किसी ने इसको इस नाम से बुलाया भी नहीं। फिर ये मुझे बोलता है कि ये मुझे बताएगा कैटेस्ट्रॉप कहाँ पर छुपा हुआ है, लेकिन ये मुझसे प्रॉमिस करने को कहता है कि मैं इसकी बातों को अपने तक ही रखूंगा और किसी को भी नहीं बताऊंगा क्योंकि इसकी एक फैमिली है जिसको इसको बचाना है। देन वो मुझे बताता है जब वो लोग म्यूटू प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे तब गलती से एक ऐसा पोकेमोन बन जाता है जो कि पूरी दुनिया के साथ ग्लिच हो जाता है, और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। लेकिन लकीली उसके पास एक ऐसी मशीन थी जिससे उसने कंट्रोल कर लिया उसको। और जब सब उसे पूछते हैं कि आखिर वो पोकेमोन है कहाँ, तब वो उन्हें बोलता है कि उसको नहीं पता, लेकिन अंदर से ही वो जानता है वो कहाँ है। और उसने जाकर सिनेबार आइलैंड के नीचे एक बर्फ के टुकड़े में उसको जमा दिया। ये जानने के बाद मैं जाता हूँ सिनेबार आइलैंड, और मैं जैसे ही सिनेबार आइलैंड आया यहाँ पर कुछ ग्लिच हो गया, और आखिरकार मैं जैसे ही सर्फ यूज किया मेरे सामने कुछ होता है, एक ग्लिच आता है और अचानक से मेरे सामने आ जाता है मिसिंगो। व्हाट, मिसिंगो है इस गेम में? ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, इवन म्यूटू से भी ज्यादा। तो मैं यहाँ पे मास्टर बॉल यूज करने वाला हूँ, और आखिरकार मैंने इसको कैच कर लिया। मैं जैसे ही इसको कैच करता हूँ मेरे सामने बिल और मिस्टर फूजी आते हैं और बोलते हैं आखिरकार मैंने ये कर लिया और इनको बचा भी लिया है। दूसरी साइड जहाँ पर ब्लू और ब्लेन में जिम बैटल हो रही थी वो भी बाहर आते हैं और पूछते हैं कि क्या कोई लेजेंडरी पोकेमोन आया था, क्योंकि कुछ आवाज आ रही थी। लेकिन मैंने उसे बताया कि मैंने उसे कैच कर लिया है, और वो बोलता है कि क्या उसे ये देख सकता है। फिर मैं जैसे ही उसको दिखाता हूँ वो बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता। ब्लू बोलता है उसने इस पोकेमोन को बहुत टाइम पहले भी देखा है, जब सबने उसे पूछा कि आखिर उसने इसको कैसे और कहाँ देखा। ब्लू बोलता है उस टाइम वो बस एक बच्चा था और उसने इसको प्रोफेसर ओक की लैब में देखा था, एक
बेसमेंट एरिया में जो कि उनकी लैब के नीचे है, जहां वो पोकेमोन के साथ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। ये जानने के बाद मैं जाता हूँ पहले टाउन में। मैं जैसे ही यहाँ आया, यहाँ पर प्रोफेसर ओक की लैब का दरवाजा बंद था। मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गया, अब क्या करूं। लेकिन मैंने देखा मेरे पास एक हथियार है, जिससे मैंने इसको खोला और अंदर के लोगों ने मुझे रोकने की कोशिश की, क्योंकि मैं एक चोर, तो मैं इनकी लैब में छानबीन करना शुरू कर दिया। इस बुक के पीछे कोई बटन था, मैंने जैसे इसको ऑन किया कोई रास्ता खुला और मैं किसी अंडरग्राउंड बेसमेंट एरिया में आ गया। अचानक से कोई पीसी ओपन होता है और मैं देखता हूँ प्रोफेसर ओक को, और ये बहुत ही ज्यादा सालों पहले का है, यानी 10 सालों पहले का। यहाँ पर प्रोफेसर ओक पहले से ही जानता था म्यूटू प्रोजेक्ट फेल होगा। देन मैं इस अंडरग्राउंड बेसमेंट एरिया में थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ। मैं जैसे ही और आगे गया, मेरे सामने कोई डिट्टो उछल कर आया और ये वही क्लोन है जो कि हमने देखा था। इस डिट्टो को हराने के बाद मैं थोड़ा और आगे बढ़ा और मेरे सामने एक और बार पीसी ओपन हुआ और मैंने देखा ओक को, जहाँ पर ये बात कर रहा है पोकेमोन क्लोन्स की कि क्या सच में ये हो सकता है। उसके बाद मैं और आगे बढ़ा, मेरे सामने कोई रोबोट आ गया एंड ये गार्ड रोबोट है। इसके पास भी काफी बढ़िया पोकेमोन्स है, लेकिन मैंने भी अपनी पूरी कोशिश की। सो गार्ड रोबोट से फाइट करने के बाद मैंने इसको हरा दिया और मैंने इसका मिस्टर माइमी चोरी कर लिया। उसके बाद मैं और ज्यादा आगे बढ़ा और वापिस से पीसी चालू हो गया और मैंने देखा ओक को। ओक वापिस से बात कर रहा है पोकेमोन क्लोन की, लेकिन इस बार ये खुद का बनाने वाला है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और ये कोई और नहीं, ये बच्चा रेड है और यहाँ पर रेड को बनाया जा रहा है। अचानक से ओक ने देखा कि म्यूटू पोकेमोन मैंशन से भाग गया है और अब इनको कांटो की लड़ाई को रोकना पड़ेगा और सरेंडर करना पड़ेगा। लेकिन उस टाइम पे ओक पोकेमोन चैंपियन था कांटो का और इसको अब लैंस के सामने हार माननी होगी और ये अपने चैंपियन की पोजीशन को सरेंडर कर दिया। इसके बाद मैं जाता हूँ ओरिडन सिटी में, जहाँ पे मैं मिलता हूँ रेड से, जो कि अपना आखिरी जिम बैच जीत के जा रहा है। और यहाँ पे मैंने अपने बॉस की आवाज सुनी जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान थे। मैं जैसे ही इनके पास गया, इन्होंने मुझे बताया कि अपना आखिरी बैटल भी हार गए और अब ये और ज्यादा टीम रॉकेट का सामना नहीं करेंगे और इसके साथ ही समय है टीम रॉकेट को बंद करने का। लेकिन ये जानते हैं कि इनके एडमिन और एग्जीक्यूटिव इसको नहीं मानेंगे और ये बोलते हैं कि आज से टीम रॉकेट में जो भी होगा वो इनके बिना होगा। तभी आर्याना आती है और ये बोलते हैं कि रेड ऐसा बच्चा है जो कि बहुत ही जल्द पूरे रीजन पे राज करेगा। इतना बोलने के बाद बॉस अपना सूटकेस देके यहाँ से चल जाते हैं और उसके बाद बॉस का बेटा आता है जो कि है सिल्वर और ये भी चल जाता है। उसके बाद बॉस की वाइफ भी गई। मैंने जैसे ही उसको ओपन किया, मैं बन गया टीम रॉकेट का बॉस और यार आज से मैं ही हूँ टीम रॉकेट का बॉस। एक ग्रंट से मैं बॉस बन गया, लेकिन अभी भी मुझे अपने असली बॉस का बदला लेना है। सो गाइस, अगर आप लोग चाहते हो मैं अपने बॉस का बदला लूं, तो यार इस वीडियो को एक लाइक कर दो मेरे भाई, जो कि बिल्कुल फ्री है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी यार अंटिल देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।